अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू क्लास, हाउ आर यू? हेयर इज़ द 19 लेक्चर ऑफ साइंस। जी तो स्टूडेंट, कल हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के 2 क्वेश्चन आंसर किए थे। आज हम आगे वाले 3, 4 और 5 क्वेश्चन करेंगे। ये भी आप लोगों ने नीट नोटबुक पे राइट करने हैं, ठीक है? टॉपिक राइट कर लेना है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, और क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम 3 थिंग्स मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल्स। नेचुरल मटेरियल से बनने वाली 3 चीज़ों के नेम राइट करने हैं। सबसे पहले है ग्लास, प्लास्टिक, पेपर। हाँ, ये मैंने आपको रीडिंग में बताया था कि नेचुरल मटेरियल को यूज़ करके तो जो चीज़ें बनती हैं। ग्लास किससे बनता था? सैंड से, प्लास्टिक ऑयल से, और पेपर जो है वो वुड से। क्वेश्चन नंबर 4 है, What does ice turn into when it melts? जब बर्फ को पिघलाया जाता है तो वो क्या बन जाता है? आंसर इसका वाटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ कैन वी चेंज वाटर इंटू अ सॉलिड? हम वाटर को सॉलिड में कैसे चेंज कर सकते हैं? आंसर इसका फ्रीज इट, यानी कि उसको जमा कर वो सॉलिड में चेंज हो जाता है। वाटर खुद तो लिक्विड है, लेकिन जब उसको फ्रीज किया जाता है तो वो आइस बन जाता है और आइस सॉलिड होती है। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारे आज के क्वेश्चन आंसर थे। ये भी आपने नीट नोटबुक पे राइट कर लेने हैं और अच्छी तरह से इसको लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।